हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो आप लोग मुझे बताते हैं, बट वही यार, एक साथ इन सारी स्टोरीज को सुनना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा मैंने जो आप लोगों ने मुझे स्टोरी बताई है वो मैंने सुनी है या नहीं सुनी है, या फिर मैंने उसका रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है या नहीं किया। तो आप लोगों को मेरी जो चैनल है, मेरा जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ दिल बेचारा, जो कि कुकू FM की स्टोरी है, उसका जो न्यू ट्रेलर आया है उसके बारे में बात करने वाली हूं और कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट वाले ट्रेलर को सेकंड वाले ट्रेलर से। ठीक है, तो जो ट्रेलर है वो कल ही आया है, इसका जो न्यू ट्रेलर है कल या फिर परसों ही आया था और फाइनली मैंने उसे देख लिया और मैंने ये भी देखा कि उसमें क्या चीजें थी और क्या चीजें नहीं थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कुकू FM की स्टोरी दिल बेचारा सुनी है कि नहीं सुनी है, बट अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो उसका भी मैंने जो रिव्यू शेयर किया उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। ये कुकू FM की स्टोरी है, एक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें रिवेंज भी देखने को मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी एक बिजनेसमैन वाली ही स्टोरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रेलर की। तो जो पहले ट्रेलर इन्होंने बनाया था उसमें क्या चीजें थी, सबसे पहले तो क्या चीजें चेंज हुई हैं, वो एक ही चीज चेंज हुई है कि जो एक्टर्स पहले थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। अब जो न्यू ट्रेलर आया उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं लगी कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगी या फिर ये कह लीजिए लोग उनसे ज्यादा स्टोरी की तरफ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या चीज़ें थी। अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर का लिंक जो होगा वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर ट्रेलर को देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग सर्च करेंगे कुकू FM का जो चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इजीली, और वहीं पर ही मैंने भी देखा था तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी ये स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसके डेली एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, डेली दो एपिसोड्स आते हैं इसके और अभी तक इसका कोई सीजन ब्रेक भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी जिस तरीके से मैं स्टोरी चाहती थी उस हिसाब से आगे चल भी रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रेलर की। तो यार ट्रेलर में ना एक चीज़ अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ना क्या है कि पहले वाला जो ट्रेलर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि जो ऑडियंस है वो उससे कनेक्ट हो पाएगी और वो सोचेगी कि हमें आगे स्टोरी को देखना है, सुनना है और जाके देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था, अगर इस तरीके की वीडियोज ट्रेलर्स बनाए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि कई ऑडियंस ऐसी भी होती हैं जो कि विजुअली ही देखना चाहती है, वो ऑडियो में सुनना नहीं चाहती है। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी भी होती है कि वेब सीरीज आ रही है इसको लेके, या फिर ये कह लीजिए कि आप लोगों को ये इस तरीके का ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ऐसे कोई भी ट्रेलर देखते हैं तो उसे आप लोग जज ना करें कि आप लोगों को कोई फिल्म या फिर स्टोरी या फिर ड्रामा या फिर वेब सीरीज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुकू FM ने अभी इस चीज के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है कि आगे ये जो स्टोरीज हैं इनको लेके उन्हें कोई ड्रामा या फिर वेब सीरीज बनानी है, ऐसा कोई उनका फ्यूचर अभी तक प्लान नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल क्लियर हो जाओ और ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि आप लोगों को ये विजुअल में ही या फिर कह लीजिए एक फिल्म की तरह ही देखने को मिलेंगी, नहीं, ये ऑडियो स्टोरीज होती हैं तो आप लोगों को ऑडियो में ही सुनने को मिलेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर करेक्शन हो सकती है कि अगर जो ये एनिमेटेड ट्रेलर्स बना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उससे ये हो जाएगा कि यार लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ ठीक है, ये ऑडियो में ही है, आप लोगों को विजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ कार्टून्स कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं या फिर जो एनिमेटेड यानी ग्राफिक्स होते हैं वो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा ठीक रहेंगी, क्योंकि इससे ना एक ये चीज़ नहीं जाएगी कि लोगों की तरफ की एक क्या बोलते हैं वीडियो है, ये पता चलेगा लोगों को कि ये ऑडियो में ही अवेलेबल है। हालांकि बाद में कहा जाता है कि अगर आप लोग को इस स्टोरी को पूरा सुनना है तो आप लोगों को जाके कुकू FM पर सुनना पड़ेगा, बट वही वाली बात है ना, इतना ध्यान कौन ही देता है पूरा देखने के बाद, तो वो चीज़ अलग होती है। तो इस ट्रेलर में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या खटकी मुझे ट्रेलर में इस वाले में, कि वहाँ पर बात हुई थी कि जैसे ही सोनल घर से बाहर निकलती हैं तो उनको चोट लगी हुई होती है और वो सिद्धार्थ के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं और वो बहुत रो रही होती हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ सीन ही नहीं हुआ। ठीक है, पहले वाले ट्रेलर को आप लोग देखोगे ना फिर भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार वो रो रही हैं, बट जो सेकेंड वाला ट्रेलर है उसमें आप लोगों को लगेगा ही नहीं, मतलब अलग ही सीन चल रहा है। बिल्कुल देख के ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि वो रो रही हैं, बस ठीक है जाके वो उनके गले लग गई, ये चीज़ हुई है, बट वो वाली ना फीलिंग नहीं आई कि भाई हाँ कि वो बहुत ज़्यादा अब परेशान है या फिर उनको परेशान किया गया या फिर उनके साथ गलत हुआ है, ये चीज़ ना वीडियो में हमें अच्छे से दिखाई नहीं दी, मुझे नहीं दिखाई दी, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाई दी या नहीं दी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ट्रेलर को लेके, बाकी ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट की भी बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले वाले ट्रेलर में ज़्यादा अच्छी थी, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि सोनल का बिहेवियर कैसा था, कि स्टार्टिंग में जब वो सुबह उठती हैं वो अचानक से उन्हें देखती हैं तो वो उनका रिएक्शन किस तरीके से होता है कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि वो क्या जानती है, बट इस वाले ट्रेलर में आप लोग देखोगे तो कई सारी चीज़ें अलग थी। ठीक है, वर्डिंग्स अलग थी, बट पहला वाला ज़्यादा बढ़िया था एज़ कम्पेयर टू ये वाला।
ठीक है, अब आप लोग अच्छे से देखना दोनों ट्रेलर्स को। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बेकार है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बात वही है, स्टोरी तो एक ही है, तो ट्रेलर चाहे कितने ही बन जाए क्या ही फर्क पड़ता है। और स्टोरी अभी तो 300 प्लस एपिसोड्स पर चल रही है, तो फिर तो क्या ही कहना है। और अभी तक भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस स्टोरी को, और यहाँ तक कि मैं खुद भी सुनती ही हूँ इस स्टोरी को, डेली सुनती हूँ, डेली एपिसोड्स आते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अब आप लोगों के ऊपर, आप लोगों का ट्रेलर को लेकर क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या चीज़ लगी या फिर क्या चीज़ नहीं लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग का ट्रेलर को लेकर क्या ओपिनियन है, ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ शायद या तो मैंने भी कोई चीज़ मिस कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी स्टोरीज के जो भी लिंक होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप लोगों ने स्टोरी को नहीं सुना है तो आप लोग वहाँ से जाकर उसे सुन सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम आई @2119998 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.